आदाब नमस्कार। मेरी अपनी महफिल में आपका फिर एक बार स्वागत है, इस्तकबाल है। आज मैं एक मौजू पे बात कर रहा हूँ आपसे, जिसको आजकल जो युवा पीढ़ी है, जो नई नस्ल है, उसने जनरेशन गैप का नाम दिया हुआ है। ये जनरेशन गैप लगभग क्या, हर दौर में पुरानी नस्ल के साथ नई नस्ल का तसादुम रहा है। हर पीढ़ी में, हर नस्ल में जवानों और बुजुर्गों के बीच लव्स जनरेशन गैप बार बार इस्तेमाल होता रहा है, आज भी होता है। मैं आपको अपने हवाले से इसके बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। पहले हल्की सी छोटी सी झलक अपनी कहानी की दे दूं। 5 नवंबर 1949 की वो शाम थी जब सूरज अपने ही खून में लुथड़ा हुआ समुंदर में कूद कर खुदकुशी कर चुका था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, बत्तियां जल उठी थी, चिराग छिलमिला उठे थे। तब बंबई के दादर में डॉक्टर गद्रे के नर्सिंग होम में मैं उस दुनिया में वारिद हुआ था, ऐसा मेरी अम्मी कहा करती थी मुझसे। अम्मी से ही सुना कि वालिद साहब, वालिद बुजुर्गवार, शहर के रऊसा में शुमार होते थे, शिवाजी पार्क और जो कैरल रोड है उसके साहिल है समुंदर पर रिट्रीट नाम का एक मंजिला मकान था जिसमें कयाम पजीर थे। उर्दू के अखबार जो उस वक्त के बॉम्बे और आज के मुंबई से शाया होता है कि वो मुदीर बानी थे, फाउंडिंग एडिटर थे। फन फिल्म साजी उस जमाने में आंखें खोल रहा था। वाले साहब फिल्मों के लिए नगमे, मंजरनामे, मुकालमे, कहानियां वगैरह भी लिखा करते थे। उनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस था जिसका नाम था गुलरेस पिक्चर्स। उनकी कुछ फिल्मों के नाम जो मुझे फिलहाल याद हैं, जो अम्मी ने बताए थे, उनमें एक शीशम, समाधि और ऐसे कुछ नाम थे। फिलहाल हाफिजा साथ नहीं दे रहे और नामों के लिए। वाले साहब को एक शौक था, घुड़दौड़ पर शत लगाने का, जो कि हमारे मुंबई के महालक्ष्मी के रेस कोर्स में आमतौर से ऑर्गेनाइज की जाती है।
1955 में ना जाने किस सनक में, ये अम्मी कहा करती थी, उन्होंने एक रोज घुड़दौड़ पर अपनी पूरी जमा पूंजी जो उस वक्त 12 लाख रुपए थे लगा दिए और यकमुश्त हार गए। अब इस हार का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और 1957 के आते आते इस दुनिया को खैरवाद कह गए। मैं, मेरी एक बहन और छोटे दो भाई अब अम्मी जी की जिम्मेदारी हो गए। अम्मी जी से जो बन पड़ा करती रही। उस सिलसिले में आते 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 1969 में हम खार के डांडा इलाके में एक 10x10 के कमरे में मुकीम हो गए थे। उससे ज्यादा हैसियत नहीं थी अम्मी की। तब तक मैं कॉलेज के दूसरे साल में पहुंच चुका था। क्योंकि बचपन से पढ़ाई तालीम उर्दू मीडियम में हुई है इसलिए 60 से ज़्यादा बरसों से उर्दू पढ़ता लिखता रहा हूँ। 1969 में अम्मी जी की भी आंखें बंद हो गई और मैं अपने दो छोटे भाइयों के साथ इस दुनिया में तन तना रह गया। कोई रिश्तेदार नहीं। ऐसा मौका आया जब सर पर छत भी नहीं रही। जिंदगी को फिर से बनाने संवारने में दो अशख़ास ने मेरी बहुत मदद की। उनमें से एक मेरे वालिद के हवाले से मेरे मुंह बोले अंकल जनाब अयास पीर भाई थे, जिनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड काफी बड़ी एजेंसी थी, मशहूर एजेंसी थी। और अम्मी के हवाले से एक और मुंह बोले अंकल जिनका इसमें शरीफ जनाब गौरी शंकर सिंह था। इन दोनों ने बड़े हद तक मेरी सरपरस्ती की। जब सर पे छत नहीं थी तब सिंह अंकल के माली इमदाद से मैं शहर से 20-25 मील दूर एक मकान किराए पर ले पाया। चूंकि वहां से लोकल ट्रेनों का बंदोबस्त था और अयाज अंकल ने बड़े रहमो करम के साथ मुझे अपनी एजेंसी में जगह दे दी थी, जहां से बहुत ज्यादा नहीं थोड़े बहुत पैसे जो सारी जरूरियात पूरी करने के लिए काफी तो नहीं थे बट कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। खैर इस तरह से होते होते हालात बदले, क्योंकि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते और आप फिर आराम व आसाइश के दौर में लौट आए। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि सारी जो नई नस्ल है
मुझे जनरेशन गैप का हवाला देती रहती है। वो बच्चे भी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, अक्सर मुझसे कहते हैं कि ये आपकी राय होगी बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कभी रखने के लिए उस वक्त जब मैं शायद 18 से 27, 28, 29, 30 बरस के बीच था, ऐसी अय्याशी का कोई मौका ही नहीं मिला। आप जब अपना और दो छोटे भाइयों का दो वक्त पेट भरने की जद्दोजहद में लगे हों तो वहां कहां होता है पॉइंट ऑफ व्यू। वहां आपको लगकर मेहनत करते रहनी पड़ती है। खैर, जब मैं एडवर्टाइजिंग में अपना मकाम बना चुका, नाम बना चुका, तब जाके मौका मिला कि मैं लोगों से इख्तलाफ राय करूं, मतभेद रखूं और जिस चीज़ में मैं बिलीव करता हूं उस पर सीरियसली उसको प्रोपागेट करूं। फिर हमारे बच्चे हुए, उन बच्चों को हमने यूं पाला कि वो सारे शोले जिनकी आँच हमें झुलस गई थी कभी कभी, उनकी हल्की सी आँच भी अपने बच्चों तक न पहुँच पाए, इस कोशिश में लगभग सारी उम्र बीत गई। लेकिन जब बच्चे जवान हुए, उन्होंने फिर वही सिलसिला शुरू किया जनरेशन गैप का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू का। बकौल शायर, वो पत्थर जिन्हें हमने बख्शी थी धड़कने, जब बोलने लगे हम ही पर बरस पड़े। अब कुछ एक फैसला जिंदगी में ऐसा रहा मेरा जो मेरे बच्चों को कभी मंजूर नहीं हुआ। हम अगर होते और माँ या बाप का कोई फैसला होता तो हमें शायद सही नहीं लगता, हम खामोश रहते, बिकॉज हम ये समझते बेसिकली कि मुझे नहीं मालूम है कि उनकी क्या मजबूरी है, उनको उतना सा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं और इज्जत अदब बनाए रखते हैं, उनको कभी शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि हाँ हमारी नजरों में आपकी कोई इज्जत नहीं। खैर, हाल ही में एक तजुर्बा ऐसा हुआ जो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा दिल को, बिकॉज अब जबकि मैं लगभग 70 साल की उम्र के पास पहुंचने जा रहा हूं, तब कोई नौजवान नस्ल का बच्चा आपको बहुत इसरार करके अपने घर पर बुलाए, क्या आइए, साथ दो निवाले तोड़ेंगे, कई बार मना करने के बाद उनके बार बार इसरार पर एक बार दावत कबूल कर ली, वहां पहुंचे, आधा घंटा लगभग वो हमसे बातचीत करते रहे। उसके बाद
मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर वो गायब हो गए, और लगभग घंटा सवा घंटे तक मैं अकेला उस ड्राइंग रूम में बैठा, कभी इस दीवार को, कभी उस दीवार को, कभी इस खिड़की की तरफ, कभी उस दरवाजे की तरफ देखता रहा। उस वक्त दिल में एहसास हुआ कि भाई हम यहां खाने पीने तो नहीं आए थे, क्योंकि घंटे सवा घंटे के बाद तो खाने पीने का इंतजाम हो गया शुरू। भाई हम आए थे आपके खुलूस के, बिकॉज आपने बड़े प्यार से खुलूस से मदऊ किया था। खैर चूंकि मेहमान थे इसलिए खामोश रहे कि किसी मेहमान को किसी मेजबान के घर से घर पर कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। पर जब लौटे तो दिल पर एक अजीब बोझ सा था, अपनी खुददारी को एक झटका सा पहुंचा था, चोट सी लगी थी। यूं ही इशारों इशारों में कहीं हमने इसका जिक्र किया तो बहस शुरू हुई कि इज्जत क्या होती है। इज्जत बहुत सब्जेक्टिव चीज है, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इज्जत बहुत सब्जेक्टिव चीज है, क्योंकि ये इज्जत मैंने बड़ी मेहनत से कमाई है। और आज तक कभी अल्लाह के करम से, कायनात कुदरत की मेहरबानी से, भगवान की दया से, और आशा करता हूँ कि भगवान अपनी कृपा बनाए रखेंगे कि जब से हालात सही हुए तब से उसने फिर कभी मुझे कहीं किसी के सामने कुछ मांगने का मौका नहीं। मैं अगर किसी को घर पर बुलाता हूं तो मैं उनको 2 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि हमको एडवर्टाइजिंग में सिखाया गया था, माँ बाप ने सिखाया था कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इससे बड़ी बेअदबी नहीं कर सकता कि वो उसको इंतजार कराए। मेरे घर कोई आएगा मैं तुरंत हाजिर होऊंगा, बीच में अगर किसी जरूरत की वजह से उठना भी पड़े तो कोशिश होगी कि वो वक्फा 2-3-4 मिनट से ज्यादा ना हो, किसी को मेरा इंतजार ना करना पड़े। आज भी अगर एज अ विजिटिंग फैकल्टी में इनवाइट किया जाता हूं और अगर लेक्चर 6:30 का है तो मैं उस कॉलेज, इंस्टीट्यूट, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन पे 6 बजे पहुंच जाता हूं, ताकि मेरी वजह से किसी को भी इंतजार न करना पड़े। अगर मेरा कोई क्लाइंट किसी मीटिंग के लिए बुलाता है मैं दिए हुए वक्त से 10 मिनट पहले पहुंचता हूं, और दिए हुए वक्त के बाद 10 मिनट और इंतजार करता हूं। अगर अगले 10 मिनट में, तो दिए हुए वक्त के 10 मिनट बाद अगर वो नहीं मिलते हैं तो मैं उठकर चला आता हूं। शादी के दावतनामे आते हैं, वक्त 7 बजे का होता है, मैं 7 बजे पहुंच जाता हूं। और आजकल 7 बजे
वहाँ मेजबान तक नहीं होता। और वहाँ पहुँच के अपनी तसल्ली करके लौट आता हूँ, क्योंकि मुझे इंतज़ार करने का शौक नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं कि द बिगेस्ट डिसरिस्पेक्ट यू कैन शो टू अनदर ह्यूमन बीइंग इट वुड बी दैट यू मेक दैट ह्यूमन बीइंग वेट फॉर यू। आज वक्त की पाबंदी लगभग एक गाली बन गई है। खैर, हम तो सारी उम्र वक्त की पाबंदी पे चलते रहे, उस उसूल को अब तोड़ नहीं सकेंगे। बकौल मोमिन, उम्र तो सारी कटी इश्क बुतामे मोमिन, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमा होंगे। तो बात है, क्या इज्जत सब्जेक्टिव चीज है? मेरा मानना है नहीं। आप अपने लिए खुद डिसाइड करते हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद वही आपका मापदंड बन जाता है। अगर कोई उस मापदंड से नीचे की तरफ होता है तो मैं मान लेता हूं कि वो मेरी इज्जत नहीं करता। अगर कोई मापदंड के आसपास होता है तो मैं उसका बहुत एहसानमंद, बहुत आभारी, बहुत ग्रेटफुल होता हूं कि उसने मुझे इंसान समझा और एक इंसान को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो अता फरमाए। इसी के साथ मैं आपसे अब इजाजत चाहता हूँ। फिर जब ऐसी कोई बात कहीं मुझे महसूस हुई तो फिर आऊँगा। अगर आप पूरा सुन लें तो मैं सच में आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा कि आपने मेरी बेतुकी बात सुनी, पूरे सब्र के साथ ये 22 मिनट का वीडियो देखा। आपको मेरा सलाम।